दिवाली से पहले लगातार कई जगहों पर आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं। एक के बाद एक मध्य प्रदेश में कई जगहों पर आग लगने की खबरें आ चुकी हैं। वहीं अब मुरैना के जिंगनी गांव में सुबह करीब 6 बजे फटाके फटने से विस्फोट हो गया। इस दौरान मकान पूरी तरह धराशायी हो गया। बताया जा रहा है कि इस विस्फोट में पति पत्नी और एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसमें एक बच्चे को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। वहीं दूसरी ओर परिजनों का कहना है कि सिलेंडर से विस्फोट हुआ है। अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि फटाके फटने से ये विस्फोट हुआ है या सिलेंडर से विस्फोट हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि मकान गिरने से कुछ लोग दबे हैं, उनको निकाला गया है। वहीं मलबा हटाने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि ये हादसा फटाके फटने के विस्फोट से हुआ है या फिर मकान गिरने की वजह से हुआ है।